भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने विधानसभा चुनाव के अंतिम दिन भाजपा के प्रत्याशी विजय मीणा के चुनाव प्रचार को लेकर गोविंद देव जी बाजार में जनसभा को संबोधित किया। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने कहा कि कांग्रेस रोज रात को दो मुख्यमंत्री सोचकर सोती है, वे सुबह उठते ही वो चार पाँच हो जाते हैं। सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव में दूल्हा है नहीं और बारात लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के अध्यक्ष को ये मालूम नहीं कि आलू जमीन में पैदा होता है या मशीन, वे मिर्ची लाल बोई जाती है या हरी, ऐसी पार्टी क्या देश का भला कर पाएगी। सैनी ने कहा कि राजस्थान में दिल्ली सरकार ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों को मकान, इलाज, किसानों का 50,000 का कर्ज माफ व घरेलू कनेक्शन दिए। वसुंधरा राजे ने बालिका के जन्म से शादी होने तक कोई परेशानी नहीं हो सके, इसलिए अच्छी योजनाएं चलाई। जबकि कांग्रेस ने अपने 72 सालों में भ्रष्टाचार, आतंकवाद को बढ़ावा देकर देश को कमजोर किया है। तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक कर सभी को चेत दिया कि हिंदुस्तान की सेना में कितना दम है। उन्होंने कहा कि भाजपा से उसकी जात नहीं बल्कि उसका काम पूछें। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है, सभी को बाहर निकाला जाएगा। वहीं जनसभा का समय दोपहर 12 बजे था, लेकिन सैनी करीब 4:30 बजे बाद सभा स्थल पर पहुंचे। इस दौरान आचार संहिता के तय समय 5 बजे को लेकर जिला अध्यक्ष नरुका सैनी को भाषण के दौरान बार बार अवगत कराते रहे। जनसभा को पूर्व पालिका अध्यक्ष प्रभुदयाल शर्मा, मंडल प्रभारी नरेंद्र अवस्थी, मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र सैनी, मोहन बोहरा, सरदार सुरजीत सिंह, पदम गोयल वे मीना खंडेलवाल सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष संजय नरुका, भाजपा महिला मोर्चा अध्यक्ष प्रीति विजय सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। और समस्या जी मेरे साथ काफी टाइम तक एमएलए रहे, इससे आज वो होते और विजय चुनाव लड़ता तो बहुत अच्छा लगता। आज वो नहीं है, इसलिए विजय को 7 तारीख को वोट के रूप में श्री समस्त को श्रद्धांजलि देकर सारे लोग 7 तारीख को और वोट देने की कृपा करें। भाइयों, राजस्थान की सरकार और दिल्ली की सरकार ने जनता के लिए ऐसे बहुत काम किए हैं जो आज तक कांग्रेस की सरकार राज रहा लेकिन नहीं कर सकी। नरेंद्र भाई मोदी ने या वसुंधरा जी ने गरीब लोगों के लिए मकान देने का काम किया, गरीब लोगों के लिए 30,000 से लेकर और 3 लाख तक का इलाज मुफ्त किया। नरेंद्र भाई मोदी ने एक परिवार एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है, आयुष योजना में उन्होंने ये व्यवस्था की। नरेंद्र भाई मोदी ने जो महिलाओं को गैस के कनेक्शन 8 करोड़ कनेक्शन हिंदुस्तान में फ्री दिए हैं और राजस्थान की सरकार ने किसानों का 50,000 का कर्जा माफ किया था, इन्होंने 50,000 का कर्जा माफ किया। कांग्रेस ने अपने शासन में 1 भी रुपए का कर्जा किसानों का माफ नहीं किया। किसानों ने बिजली का बिल माफ किया 10 वर्ष पावर तक और बिजली फ्री की है। यही नहीं, राजस्थान में वसुंधरा जी ने लड़की के जन्म से लेकर 12वीं तक 50,000 रुपया का उसके बैंक में चला जाएगा, ये व्यवस्था वसुंधरा जी ने की। और जो मजदूर भाई हैं जिनके पास श्रमिक कार्ड है उनकी बेटी की शादी के लिए भी 50,000 रुपया देने का फैसला राजस्थान की सरकार ने किया है। राजस्थान की सरकार ने गाँव में हर शहर में 191 म्युनिसिपैलिटी में अम्बेडकर भवन बनाए ताकि लोग अम्बेडकर के उस भवन में जाकर अपने बारे में चर्चा कर सके, समाज के बारे में व्यवस्था कर सके। यही नहीं, राजस्थान की सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने नरेंद्र भाई मोदी आए उस समय हम लोगों को पता है कितना चीन हमारी सीमा पर आ गया, गोकुलम में आ गया और जरा हत्या का नाम नहीं ले रहा था और हमको धमकी दे रहा था कि 1962 को याद करो कि 1962 में कांग्रेस का राज था, नेहरू जी का राज था, हम 1962 में चीन से हार गए थे।
वो जो हमको धमकी दे रहा था कि वो समय था लड़ाई लड़ी तो फिर हार जाओगे, उस समय दिल्ली से जवाब जाता है चीन को कि उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस का राज था, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और बीजेपी का राज है, आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसका जवाब पत्थर से मिलेगा। ये तेरा प्रधानमंत्री है जिसके सामने चीन तुम दबाकर भाग गया। यह आपको पता होगा, हमारे सैनिकों को रात के अंधेरे में 12 सैनिकों को जला दिया, उनको उठने का मौका भी नहीं मिला, सोते लोगों को जलाया। प्रधानमंत्री जी ने बुलाया सेनापति को, कहा 10 दिन के अंदर इसका जवाब लगना चाहिए। हमारे सैनिक रात को 12 बजे जाते हैं, उनकी सेना उनकी चौकियां नष्ट करके आते हैं, वापस नशे के वास्ते आते हैं। दुनिया में 3 सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जिसमें एक अमेरिका ने की, दूसरी इसराइल ने की और तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक का हिंदुस्तान ने की और हिंदुस्तान ने बता दिया कि हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने वाले की आंख फोड़ने की ताकत हिंदुस्तान की सेना में है। और यही नहीं, जरा रात को 12 बजे हमारे गृह मंत्री देख रहे थे टेलीविजन, और टेलीविजन पर न्यूज आ रही थी कि पाकिस्तान ने हमारी सैनिका पर और जरा हमारी चौकियों पर गोलाबारी की है। और उन्होंने पूछा सेनापति को, मैं क्या देख रहा हूँ? उन्होंने कहा, आप ठीक ही देख रहे हैं, जरा गोलाबारी हुई है। तुमने क्या किया? क्या हमने 14 बार सफेद झंडा दिखा दिया है? वो मान नहीं रहे, तो कहा सफेद झंडा दिखाने की जरूरत नहीं है, अब यदि एक भी गोली उधर से आती है तो तुम्हारी गोलियां रुकनी नहीं चाहिए, सारी की सारी गोलियां और पाकिस्तान पर दाग देनी चाहिए। ऐसा ऑर्डर देने वाला इस देश का पहला गृह मंत्री है जिसने देश का सम्मान रखा। और दूसरी बात बताना चाहता कि आज कांग्रेस का जो शासन है, इसमें 5 मुख्यमंत्री रात को सोते और सुबह 6 हो जाते हैं, हर रात एक मुख्यमंत्री बढ़ जाता है। बिना दूल्हे की बारात है कांग्रेस आज, जहां दूल्हे का पता नहीं और बारात चल रही है। यही नहीं, कांग्रेस की जो हालत, कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसका फैसला आज वो नहीं कर सके। मुझे बात याद आती है, काम में कार पड़ गया, परिवार चला बाहर कमाने के लिए, रास्ते में अंधेरा हो गया, रात हो गई, पड़ के नीचे बैठ गए और बैठने के बाद में बड़े आदमी ने ऑर्डर दिया, बहू तू ये काम कर, तू भोजन बना, तू पानी ला, तू रोटी ला, तू लकड़ी बना, और ऊपर से एक ने आवाज फिर लगाई, तू रस्सा ना, ऊपर से आवाज आई कि रस्से का क्या करोगे, उसने कहा तेरे पैर बांधेंगे, तू बीच में क्यों बोलता है हमारे, हम काम करेंगे, आगे कमाने के लिए जा रहे हैं, तुम कमाने के लिए जा रहे हो, मैं तुमको यहीं पर रुपया दे दूं तो मेरे पैर मत बांधो। उसने कहा हमको क्या चाहिए, अंधे को दो आंख चाहिए, रुपए मिल गए हम काहे को करेंगे, तेरा पैर भी क्यों बांधेंगे। उनको रुपए मिल गया, कोई प्रेत था, वो घर आ गए, दूसरे दिन आटे की गोलियां आ रही है, पहले तो 5 किलो 4 किलो 2 किलो आटे आता था, उधर बड़ा सामान आने लगा। लोगों ने पूछा मामला क्या हो गया, रात रात में क्या करिश्मा हो गया, उसने सारी कहानी बता दी। एक परिवार और चला कि अपन भी चाहते हैं पैर बांधेंगे उसके, और उसने कहा बहू को तुम काम करो, जरा भोजन की तैयारी करो, क्या छोटे भाई नहीं कर सकते क्या, लकड़ी लाने के लिए कहा तो क्या बड़ा भाई नहीं कर सकते क्या, जिसको जो काम बताया वो करने को तैयार ही नहीं था, फिर कहा रुस्सा लाओ, तो उसने कहा रुस्से का क्या करोगे, ऊपर से बोला तो कहा तेरे पैर बांधेंगे, पहले तेरा घर तो बांध ले, उसके बाद में पैर बांधने की बात करना, कांग्रेस राज करने की बात कर रही है। ये कितने मुख्यमंत्री है वो कहेगा ये इसका है मैंने, ये जीतने के बाद उसके पास जाएगा, यही रख लो इसको, यही रख लो, सब एक दूसरे को यही रखने का काम करेंगे। 5-5 दावेदार मुख्यमंत्री के हो रहे, एक बार एक टेंडर मिला केकड़े भेजो, और केकड़े भेजने का टेंडर हिंदुस्तान ने में ले लिया, और जरा हमारा टेंडर सस्ता हुआ, और जरा हमारे टेंडर के पर डिब्बे पर ढक्कन नहीं था। उन्होंने कहा ये तुम्हारे केकड़े जो है ये तो बाहर निकल जाएंगे, उन्होंने कहा ये बाहर नहीं निकलेंगे, ये केकड़े
एक दूसरे के टांग खींचेंगे, जो ऊपर जाएगा नीचे वाला खींच कर उसको वापस नहीं ले जाएगा। इसलिए हमारे केकड़े, ये कांग्रेस के केकड़े एक दूसरे की टांग खींचकर यही रख लेंगे, जीत कर जाने का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। और इनके देश के बहुत बड़े और नेता, इनके पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं भारत माता की जय बुलाना बुलाकर सभा चालू करता है नरेंद्र मोदी, ये अच्छा नहीं है। अरे भारत माता की जय नहीं बोले तो ये धरती माता हमको अनाज देती है, यहाँ पर जरा दूध दही फल फूल मिलता है, उसकी जय नहीं बोले तो किसकी बोले। बीकानेर में उनके एक नेता ने और जरा भारत माता की जय बोल दी और उसका मुंह बंद कर दिया गया और कहा सोनिया गांधी की जय बोलो, भारत माता की जय बोल बोलो। अरे सोनिया गांधी इस धरती माता से बड़ी हो गई है। और जरा ज्ञान देखिए उनका, बोले वो कुंभ नहर है कि नहीं, बड़े झुंझुनू की तरफ से उधर से आप ये चुनू जिले से, बोले वो कुंभकर्ण नहर है। अब कुंभकर्ण और कुंभा में भी फर्क जिनको नजर नहीं आता, ऐसे होशियार आदमी जिनके पास से किसान गए, किसानों ने कहा आलू बहुत महंगा हो रहा है, कहा अगली बार मेरी दिल्ली में राज आएगा तो मैं फैक्ट्री लगा दूंगा, आलू फैक्ट्री चालू करो आलू निकलते जाएंगे, आलू सस्ते हो जाएंगे। जिनको पता नहीं कि आलू जमीन पर पैदा होता है, कि फल जब बेल को लगता है कि पेड़ को लगता है, पानी में लगता है कि हवा में लगता है, वो देश का अध्यक्ष बनता है एक बहुत बड़ी पार्टी का, वो कैसे करेंगे। और जरा ये नई बात नहीं है, राजीव गांधी कहते थे कि ना चले गए एक खेत में और उन्होंने कहा कि जरा किसानों ने कहा महाराज ये हरी मिर्च बहुत महंगी वो सस्ती हो गई, ये लाल मिर्च महंगी है, तो उन्होंने कहा फिर तुम बावड़े हो क्या, तुम लाल मिर्च क्यों नहीं लगाते हो, तुम हरी मिर्च लगाते ही क्यों। यहाँ पर ये पता नहीं कि हरी मिर्च और लाल मिर्च का फर्क क्या होता है, वो देश को चलाएंगे इसलिए। और जात प्रूफ से मोदी तेरी जात क्या है, चिदम्बरा तेरी जात क्या है, उमा भारती तेरी जात क्या है। अरे जात मत पूछो, काम पूछो कि हमने कौन से काम किए। तुमने सेना को 20 वर्ष तक एक हथियार नहीं भेजा, एक चाकू नहीं भेजा, और तुम बात करते 5 वर्ष का हमसे हिसाब मांगते हो, तुम 5 पीढ़ियों का हिसाब तो दे दो। और बोलते हैं राहुल गांधी, बोले मेरा ये गुत्र है, मैं आप भाइयों को पूछना चाहता हूँ, गौतम नाना से चलते हैं पिता से चलते हैं, गौतम पिता से चलते हैं नाना से नहीं चलते। और उनके दादा की परदादा की कब्र लखनऊ में बनी हुई है, वो कौन है ये बताओ तो सही, तुम्हारी जनेऊ कैसे आ गई भाई, तुमने धर्म परिवर्तन कब किया ये देश जानना चाहता। ऐसे झूठा आदमी जिसने कहा कि कर्जा माफ किया ही नहीं, राजस्थान की सरकार ने कर्जा माफ नहीं किया, सारे लोग जानते हैं कि 50,000 का हमने कर्जा माफ किया, और बोलते किसान को साथ ही नहीं है मोदी के। अरे मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, मैं तेरे से तेरे परिवार से ज्यादा जानता हूँ कि माड़ी की जमीन सबसे कम होगी तो भी सबसे ज्यादा पैदा लेने का काम माड़ी कर सकता है। मैं मेरे पुराने हाल सारी बात की जमीन है, 5,000 रुपया महीना कमाता हूं। अरे मैं बैठा हूं नरेंद्र भाई मोदी के बगल में, आप देखते होंगे जब सभा होती है उस सभा में बाई और मेरी कुर्सी लगती है, दाई और मोदी जी की लगती है, तो क्या मैं किसान नहीं। तेरे को तो जरूर पता नहीं है कि हल क्या होता है, खाल क्या होती है, तेरे को पता नहीं चेड़ी क्या होती है, लकड़ी क्या होती है, तुमने कभी देखा ही नहीं। आज हमसे बात करता।